क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। भारत में आंगल मैसूर युद्ध। भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर के शासकों के मध्य चार सैन्य टकरावों की एक श्रृंखला थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले बंगाल पर विजय प्राप्त किया। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों की नजर मैसूर राज्य पर पड़ी। A.D. 1565 में तालिकोटा के युद्ध में पराजित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालिकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया। इन्हीं राज्यों में से मैसूर भी एक राज्य था। 18वीं सदी के मध्य में वाडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। वास्तव में चिक्का कृष्णराज द्वितीय वाडियार वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसके समय में शासन की वास्तविक सत्ता दो नंजराज एवं देवराज के हाथ में थी। इसी समय में हैदर अली नंजराज की सेना में भर्ती हुआ और शीघ्र ही अपनी योग्यता के बल पर हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन बैठा। दक्कन में मैसूर राज्य के दो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी थे, मराठा हैदराबाद के निजाम मराठा अक्सर मैसूर राज्य पर लूटपाट करने के उद्देश्य से हमला करते थे। मराठों की आय का मुख्य स्रोत सरदेशमुखी और चौथ था। मराठे पहले तो नियोजित ढंग से किसी राज्य पर आक्रमण करते थे, फिर उस राज्य को पराजित करके उससे नियमित तौर पर चौथ तथा सरदेशमुखी वसूला करते थे। मैसूर राज्य का दूसरा शत्रु हैदराबाद का निजाम था। वास्तव में मराठे और निजाम आपस में न तो शत्रु थे और न ही मित्र थे, बल्कि ये अवसरवादी थे। आंगल मैसूर युद्ध के समय में मराठा तथा निजाम ने कभी मैसूर का साथ दिया तो कभी स्वयं पाला बदलकर अंग्रेजों का साथ दिया। आंगल मैसूर युद्ध भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तारवादी परिणाम था। अंग्रेज भारत में अपना अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे, जिससे भारत से उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके। अंग्रेज अपने विस्तारवादी प्रवृत्ति के कारण किसी न किसी राज्य से युद्ध करने का बहाना खोजते रहते थे और कभी कभी तो बिना किसी बात के भी छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे। आंगल मैसूर युद्ध के अंतर्गत कुल चार युद्ध हुए थे। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में मैसूर की विजय हुई, जबकि अन्य तीन युद्धों में मैसूर राज्य को पराजित होना पड़ा था। दक्षिण भारत के भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767-1769। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767-1769 हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस युद्ध को प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कारण
क अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं। ख कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली व हैदर अली में शत्रुता। ग मालाबार के नायक सामंतों पर हैदर अली का नियंत्रण। घ हैदर अली का अंग्रेजों की मित्रता का प्रस्ताव न मानना। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध परिणाम मद्रास की संधि 1769। हैदर अली व ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश तथा युद्ध बंदी लौटा दिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण के समय सहायता देने का वचन दिया। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात भी स्वीकार की। मद्रास की संधि 1769 के बाद प्रथम आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780-1784। हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक में अरकाट पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ ही द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हैदराबाद के निजाम और मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था। हैदर अली ने कर्नल बेली को युद्ध में पराजित कर अरकाट पर अधिकार कर लिया था। वैसे तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 4 वर्षों तक चला, किंतु वास्तविक निर्णायक युद्ध 1781 में ही संपन्न हो गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध करने के लिए जनरल आयकूट को युद्ध के लिए भेजा। जनरल आयकूट ने अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और हैदराबाद के निजाम को अंग्रेज विरोधी कूटनीति से अलग करने में सफलता प्राप्त की। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था और 1774 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उसे शेष दोनों प्रेसिडेंसियों पर भी शासन का अधिकार प्राप्त हो चुका था। भारत में कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। हैदर अली और जनरल आयकूट के मध्य 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों से मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति और घायल होने के कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात युद्ध का भार अचानक से उसके पुत्र टीपू सुल्तान के कंधों पर आ गया। टीपू सुल्तान ने 1784 तक युद्ध को जारी रखा और अंततः 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य
मंगलौर की संधि हुई। इस संधि में भी दोनों पक्षों ने एक बार पुनः एक दूसरे के जीते गए प्रदेशों को वापस कर दिया। टीपू सुल्तान 1750-1799। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ। वो हैदर अली का पुत्र था एवं एक महान योद्धा था जिसे मैसूर टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। वो उच्च शिक्षित था तथा अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में पारंगत था। टीपू ने अपने पिता हैदर अली की तरह एक कुशल सैन्य बल के उत्थान एवं रखरखाव पर अधिक ध्यान दिया। फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड के साथ उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का गठन किया। हालांकि उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता ली, लेकिन उसने उन्हें फ्रांसीसियों को एक हित समूह के रूप में विकसित नहीं होने दिया। टीपू नौसेना बल के महत्व के बारे में भली भांति अवगत था। वर्ष 1796 में उसने एक नौवाहन बोर्ड का निर्माण किया एवं 22 युद्धपोतों एवं 20 लड़ाकू जहाजों के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई। उसने मैंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड स्थापित किए। हालांकि उसकी ये योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी था और उसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रणेता के रूप में श्रेय दिया जाता है। उसने रॉकेट संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य पुस्तिका लिखी। वो मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन का भी प्रणेता था। टीपू लोकतंत्र प्रेमी एवं एक महान कूटनीतिज्ञ था। जिसने वर्ष 1797 में जैकोबियन क्लब की स्थापना के लिए श्रीपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों को समर्थन दिया था। टीपू स्वयं जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया और उसने स्वयं को नागरिक टीपू कहलवाया। उसने श्रीपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790-92। पृष्ठभूमि मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य विवादों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों ही दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य रखते थे। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जलकोट्टल एवं कन्नानोर खरीदा था जो टीपू की एक जागीरदारी थी। उसने त्रावणकोर के कृत्य को अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना। युद्ध के परिणाम अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया एवं मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले निजाम एवं मराठा अंग्रेजों से मिल गए। वर्ष 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मीडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। वर्ष 1791 में लॉर्ड कार्नवालिस ने नेतृत्व संभाला। और बड़े सैन्य बल के साथ अम्बूर एवं वेल्लोर होते हुए बेंगलोर मार्च 1791 में अधिकृत तथा वहां से श्रीपट्टनम तक पहुंचा।
और अंत में मराठों एवं निजाम के समर्थन के साथ अंग्रेजों ने दूसरी बार श्रीपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया परंतु सफल नहीं हो सका। वर्ष 1792 में श्रीपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम एवं मराठों के गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार अंग्रेजों को मिल गए, जबकि मराठों को तुंगभद्रा एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले और निजाम ने कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार से आगे तक के क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त टीपू से 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी लिए गए। युद्ध क्षति पूर्ति का आधा भुगतान तुरंत किया जाना था जबकि शेष भुगतान किश्तों में किया जाना था। जिसके लिए टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों द्वारा बंधक बना लिया गया था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के कारण दक्षिण में टीपू की प्रभावशाली स्थिति नष्ट हो गई एवं वहां ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। चतुर्थ आंगल मराठा युद्ध 1799। वर्ष 1792-99 की अवधि के दौरान अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास किया। टीपू ने श्रीपट्टनम की संधि की समस्त शर्तों को पूर्ण किया एवं उसके पुत्रों को मुक्त कर दिया गया। वर्ष 1796 में जब वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने का निर्णय किया। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली को सर जॉन शोर के पश्चात नया गवर्नर जनरल बनाया गया। फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते संबंधों के कारण वेलेजली की चिंताएं बढ़ गईं। टीपू के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से उसे अपने अधीन करने के लिए विवश किया। टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान एवं फ्रांसीसी द्वीप मॉरिशस और वर्साया में गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। टीपू से वेलेजली संतुष्ट नहीं हुआ और इस तरह चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। सहायक संधि। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए आर्थिक रूप से भुगतान करने को बाध्य किया गया था। इसने संबंधित शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान किया जो शासक को अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को उसकी सेवा में नियुक्त करने से प्रतिबंधित करता था। कभी कभी शासक वार्षिक रूप से आर्थिक भुगतान करने के बजाय अपने क्षेत्र का हिस्सा सौंप देते थे। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था।
सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना समझौते करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। जो राज्य तुलनात्मक रूप से मजबूत एवं शक्तिशाली थे, उन्हें अपनी सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी सेनाओं को ब्रिटिश सेनापतियों के अधीन रखा गया था। सहायक संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया एवं राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया। वही ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे। युद्ध का परिणाम। अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ और 4 मई 1799 को उसके पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया एवं फिर जनरल हैरिस ने। लॉर्ड वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली ने भी युद्ध में भाग लिया। मराठों और निजाम ने पुनः अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि मराठों को टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वादा किया गया था एवं निजाम पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया एवं उसके सभी खजाने अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक व्यक्ति को महाराजा के रूप में चुना एवं उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी। मैसूर को अपने अधीन करने में अंग्रेजों को 32 वर्ष लग गए थे। दक्कन में फ्रांसीसी पुनः प्रवर्तन का खतरा स्थायी रूप से समाप्त हो गया। युद्ध के पश्चात का परिदृश्य। लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर साम्राज्य के सूंदा एवं हरपोनेली जिलों को मराठों को देने की पेशकश की, जिसे बाद में मना कर दिया गया। निजाम को गुटी एवं गुर्रमकोंडा जिले दिए गए थे। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय वाडियार को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं दोस्तों, UPSC Anonymous Quiz YouTube और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप UPSC की तैयारी करते हैं और UPSC एग्जाम क्रैक करना है तो UPSC Anonymous Quiz YouTube चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहां हमारे तरफ से सभी UPSC कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो UPSC और IAS टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।